नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बाइक देखो में। आज हम है गोवा में, जहाँ पे कावासाकी ने अपनी सबसे नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इस मोटरसाइकिल नाम है W175। ये कावासाकी फर्स्ट मोटरसाइकिल है जो भारत में मैन्युफैक्चर हो चुकी है, यानी ये असेंबल्ड नहीं है यहाँ पे, बल्कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल है। शुरू करने के पहले इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। जो कावासाकी W175 का ये टॉप एंड वर्जन है, इसका प्राइस है 1,49,000। और ये जो बाइक है आपकी स्क्रीन पे, ये है इसका बेस वर्जन, इसका प्राइस है 1,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। कावासाकी का कहना है कि ये प्राइसिंग इंट्रोडक्टरी है और बाय दिसंबर और जनवरी इसका प्राइस रिवाइज हो सकता है। बुकिंग्स इस मोटरसाइकिल की कल से शुरू होगी, पर डिलीवरीज आपको सिर्फ दिसंबर में ही मिलेंगी। तो देखते हैं इस मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी रेट्रो स्टाइलिंग है। आगे आपको एक ट्रेडिशनल हैलोजन हेडलाइट मिलता है, एक सर्कुलर टर्न इंडिकेटर मिलता है, और टेलाइट की बात करें तो अगेन काफ़ी रेट्रो सा यूनिट है, एकदम सिंपल। अगेन स्टाइलिंग भी जो ट्रेडिशनल कावासाकी डब्ल्यू सीरीज मोटरसाइकिल है उसकी तरह ही है। तो जो W175 है, ये इंटरनेशनल मार्केट में ही मिलती है, तो स्टाइलिंग के मामले में तो काफ़ी सिंपल और ओल्ड स्कूल है। मुझे ये W वाला बैच जो इसके फ्यूल टैंक पे है, ये काफ़ी अच्छा डिटेल लगा है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसका कैपेसिटी है 12 लीटर्स। और एक स्टाइलिंग एलिमेंट है रेट्रो वाला, वो है ये जो इसका एग्जॉस्ट का मफलर है। ये पी शूटर टाइप है, जो एग्जॉस्ट का मफलर है और इंजन है, इसमें आपको ब्लैक फिनिश मिलता है। इंजन की बात करें तो इसको पावर करता है एक 177 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन। अगेन ये सेम इंजन है जो विदेशी मार्केट में मिलता है, बट वहाँ पे आपको कार्बोरेटर मिलता है। जो भारतीय मार्केट है उसके लिए इसमें FI मिल चुका है, जो आप इस इंजन को BS6 कंप्लाइंट बनाती है। नंबर्स की बात करें तो इसका इंजन का पावर है 13 PS और टॉर्क फिगर है 13.3 न्यूटन मीटर्स। और गियर बॉक्स की बात करें तो आपको इसमें मिलता है एक 5-speed गियर बॉक्स, सिंगल लीवर है, ट्रेडिशनल हील एंड टो शिफ्टर नहीं है, थोड़ा सा स्पोर्टी है इस मामले में। और एक बार वापस मैं आपको ये मोटरसाइकिल दिखा दूँ, आप स्टाइलिंग इसका देख सकते हैं। ये है इसका प्रोफाइल व्यू और ये है बाइक पीछे से। अगेन थोड़ी लाइटिंग यहाँ पे अजीब सी है, तो इसके लिए इतना क्लियर नहीं है। अब हम इस इंजन को सुनते हैं। मैं जनक से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए। तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट। आपको ये पसंद आया कि नहीं कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो आपको इसमें ये राउंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर है, यहाँ पे एक छोटा सा LCD स्क्रीन है जिसमें फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और क्लॉक है। पास में आपको ये टेलटेल लाइट्स है, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी काफ़ी रेट्रो थीम्ड है। और स्विच गियर की बात करें, अगेन एकदम बेसिक सा स्विच गियर है, ज़्यादा कुछ फैंसी तो यहाँ पे है नहीं। ये राइट हैंड साइड का स्विच गियर है। अब चलते हैं इसकी हार्डवेयर की बात करें तो आपको आगे एक टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, जिसमें ये फोक गेटर्स मिलते हैं, जो एक काफ़ी अच्छा रेट्रो टच है। आगे आपको एक डिस्क ब्रेक मिलता है जिसमें सिंगल चैनल ABS भी है। आगे आपको 17 इंच व्हील्स मिलते हैं जो स्पोक व्हील्स हैं। और पीछे की बात करें तो पीछे में आपको एक अगेन 17 इंच स्पोक व्हील्स मिलता है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, डिस्क नहीं। तो ये है कावासाकी की नई W175। प्राइसिंग के हिसाब से ये कम्पीट करती है TVS की रॉयल एनफील्ड 225 से और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के साथ। ये दोनों मोटरसाइकिल्स में अगर आप देखोगे तो इंजन स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भी काफ़ी सही है। तो इस मामले में इस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी है हमें तो नहीं पता। आपको क्या लगता है कावासाकी W175 के बारे में, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइक देखो।